हे hey दोस्तों, इस वीडियो के ज्यादातर गैंगस्टर या तो सोनीपत पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं या फिर जेल की सलाखों के पीछे सजा काट रहे हैं। इस लिस्ट में 10वें नंबर पर नाम आता है सोनीपत के कुख्यात गैंगस्टर रामकरण बैयापुर का। इस पर हत्या, फिरौती और लूटपाट के 30 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। रामकरण और संदीप बड़वासनी एक दूसरे के जानी दुश्मन थे और दोनों गैंगों के बीच गैंगवार होती रहती थी। इसी दुश्मनी की वजह से अप्रैल 2016 में रामकरण गैंग ने संदीप बड़वासनी की हत्या कर दी थी। संदीप बड़वासनी की हत्या के बाद इसके गैंग के कई बदमाश रामकरण को मौत के घाट उतारने की फिराक में थे। इसी के तहत अजय उर्फ बिट्टू ने सोनीपत कोर्ट में रामकरण पर हमला भी किया था। इस हमले में रामकरण बच गया था। इसके बाद रामकरण ने दिन दहाड़े 18 मार्च 2021 को बिट्टू पर हमला किया। इस हमले में गोली लगने के बाद भी बिट्टू बच गया। पुलिस लगातार रामकरण की तलाश में जुटी हुई थी और मार्च 2021 में इसे दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद इस लिस्ट में 9वें नंबर पर नाम आता है कुख्यात गैंगस्टर पवन उर्फ तोतला का। इस पर 11 हत्या समेत कुल 30 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसने वर्ष 2012 में झज्जर जिले के एक गांव में पुलिस बस पर हमला कर दो कैदियों की हत्या कर दी थी। इसके बाद वर्ष 2017 में इस पर लूटपाट और फौजी नाम के एक व्यक्ति को गोली मारने का मामला दर्ज हुआ था। इसके अलावा वर्ष 2018 में रोहतक जिले में एक हत्या, सोनीपत में कार में लूटपाट और अम्बाला में सुनार की दुकान में लूटपाट के बाद हत्या के मामले भी इस पर दर्ज हैं। इसी वजह से हरियाणा पुलिस ने इस पर 2 लाख का इनाम भी रखा हुआ था। लगातार इसकी तलाश में जुटी हुई थी और नवंबर 2019 में इसे रोहतक से गिरफ्तार कर लिया गया। इस लिस्ट में 8वें नंबर पर नाम आता है कुख्यात गैंगस्टर संदीप बड़वासनी का। इस पर हत्या, हत्या के प्रयास और लूटपाट के कई आपराधिक मामले दर्ज थे। संदीप बड़वासनी और रूपेंद्र उर्फ नन्ना दोनों जिगरी यार थे और दोनों साथ मिलकर वारदातों को अंजाम देते थे। वर्ष 2015 में संदीप के कहने पर रूपेंद्र ने अपने साथियों के साथ मिलकर रामकरण बैयापुर गैंग के शूटर विकास उर्फ दुधिया की हत्या कर दी थी। आपको बता दें कि संदीप बड़वासनी गैंग और रामकरण बैयापुर गैंग में सालों से गैंगवार होती आ रही है। इसी दुश्मनी की वजह से फरवरी 2017 में रामकरण बैयापुर गैंग संदीप बड़वासनी का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी थी। इस हत्या के बाद बदमाशों ने संदीप की डेड बॉडी को गंगा नदी में बहा दिया था। इसके बाद इस लिस्ट में 7वें नंबर पर नाम आता है कुख्यात गैंगस्टर अजय उर्फ कन्नू का। अप्रैल 2016 में कन्नू का छोटा भाई सरपंच का चुनाव लड़ा था जिसमें वह 45 वोटों से हार गया। इस हार के बाद कन्नू और गांव के सरपंच में दुश्मनी शुरू हो गई। इसके कुछ दिनों बाद ही कन्नू का भाई और उसके पिता एक सड़क दुर्घटना में मारे गए। इसके बाद कन्नू ने ऐलान कर दिया कि जिसने भी उसके भाई को वोट नहीं दिया था यह उन सभी को मार देगा। इस ऐलान के बाद कन्नू ने एक एक कर कई गाँव वालों को मार दिया और 22 मई 2016 की रात कन्नू ने गाँव के सरपंच नरेश की भी गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस लगातार कन्नू की तलाश में जुटी हुई थी और उस पर 5 लाख का इनाम भी रख दिया गया। इसी बीच जून 2016 में पुलिस ने कन्नू को एक एनकाउंटर में मार गिराया था। इस लिस्ट में 6वें नंबर पर नाम आता है कुख्यात गैंगस्टर संजय बुटाना का। इस पर हत्या, हत्या के प्रयास और मारपीट के दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज थे। वर्ष 1995 से जमीन विवाद की वजह से संजय बुटाना गैंग और विरोधी गैंग में गैंगवार चली आ रही थी। इस गैंगवार में दोनों पक्षों के 11 लोग मारे जा चुके हैं। इसी गैंगवार की वजह से दिसंबर 2008 में जगबीर ने सोनीपत के न्यायिक परिसर में संजय बुटाना की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद जगबीर को उम्र कैद की सजा हुई। संजय बुटाना की हत्या का बदला लेने के लिए फरवरी 2021 में जेल के अंदर ही संजय बुटाना गैंग के बदमाशों ने जगबीर की पीट पीट कर हत्या कर दी थी। इसके बाद इस लिस्ट में 5वें नंबर पर नाम आता है कुख्यात गैंगस्टर मोनू ललहेड़ी का। इस पर हत्या, हत्या के प्रयास और लूटपाट के 3 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। 18 मार्च 2021 को सोनीपत कोर्ट के बाहर कुख्यात बदमाश अजय उर्फ बिट्टू को गोली मारकर घायल करने और उसके बाद उसके पिता की गोलियों से भूनकर हत्या करने के मामले में पुलिस मोनू ललहेड़ी की तलाश में जुटी हुई थी। इसके अलावा इस पर करेवड़ी गांव के सरपंच की हत्या का भी आरोप था। पुलिस लगातार इसकी तलाश में जुटी हुई थी। इसी बीच जुलाई 2021 में सोनीपत जीआरपी पुलिस ने मुठभेड़ के बाद इसे गिरफ्तार कर लिया था। इस लिस्ट में 4थे नंबर पर नाम आता है कुख्यात गैंगस्टर संदीप चिटाना का। इस पर हत्या, लूट और पुलिस कस्टडी से भागने सहित कई अन्य मामले दर्ज थे। इसे सबसे पहले वर्ष 2003 में लूटपाट के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद इसने वर्ष 2006 में दिल्ली तथा सोनीपत में हत्या और हत्या के प्रयास की वारदातों को अंजाम दिया। इसके अलावा इस पर वर्ष 2009 में हिसार, सोनीपत और बाहरी दिल्ली में हत्या की वारदातों को अंजाम देने का मामला भी दर्ज था। पुलिस ने इसे गिरफ्तार भी कर लिया था मगर वर्ष 2012 में गुड़गांव पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस लगातार इसकी तलाश में जुटी हुई थी। इसी बीच मई 2013 में पुलिस ने इसे जिंद में किए गए एक एनकाउंटर में मार गिराया था।
इसके बाद इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर नाम आता है कुख्यात गैंगस्टर अक्षय पहलवान का। सिर्फ 19 साल की उम्र में इस पर 15 हत्या समेत कुल 40 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हो गए थे। इसने सबसे पहले वर्ष 2015 में एक हत्या करने के बाद अपराध की दुनिया में कदम रखा था। इसी हत्या के केस में इसे गिरफ्तार भी किया गया, पर नाबालिग होने के कारण 18 महीने बाद जमानत पर बाहर आ गया। जेल से बाहर आते ही इसने सोनीपत में सरेआम बाप बेटे की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, इसने राजस्थान में अदालत में पेशी के दौरान जज के सामने ही दो लोगों का मर्डर कर दिया था। पुलिस लगातार इसकी तलाश में जुटी हुई थी और जून 2019 में रोपड़ पुलिस ने मुठभेड़ के बाद इसे गिरफ्तार कर लिया था। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम आता है सोनीपत के कुख्यात गैंगस्टर राजू बसौदी का। इस पर 13 हत्या और 4 हत्या के प्रयास समेत कुल 30 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसने वर्ष 2012 में झज्जर में पुलिस कस्टडी के अंदर दो लोगों की हत्या कर दी थी, जिसमें से एक को इसने करीब से 19 गोलियां मारी थी। राजू बसौदी इसी केस में वर्ष 2017 में जमानत पर बाहर आया था और तभी से यह फरार चल रहा था। पुलिस से बचने के लिए थाईलैंड भाग गया और वहीं से अपनी गैंग को चला रहा था। फरवरी 2020 में थाईलैंड पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया और हरियाणा पुलिस को इसकी सूचना दे दी। इसके बाद रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर इसे थाईलैंड से भारत लाया गया था। इसके बाद इस लिस्ट में पहले नंबर पर नाम आता है सोनीपत के टॉप गैंगस्टर काला जठेड़ी का। इस पर हत्या, अपहरण और लूटपाट के सैकड़ों आपराधिक मामले दर्ज हैं। वर्ष 2004 में इसके खिलाफ पहला केस दर्ज हुआ था। इसके कुछ साल बाद ही हरियाणा के सांपला और गोहाना में इसने हत्या की वारदातों को अंजाम दिया। इसके बाद इसने एक के बाद एक कई वारदातों को अंजाम दिया। इसी बीच इसे गिरफ्तार भी कर लिया गया, लेकिन फरवरी 2020 में जब गुड़गांव पुलिस इसे फरीदाबाद अदालत में पेशी भुगतने के बाद वापस ला रही थी, उसी समय बदमाशों ने पुलिस की गाड़ी पर ताबड़ फायरिंग कर काला जठेड़ी को भगाकर ले गए थे। इसके बाद इसने कई संगीन वारदातों को अंजाम दिया, जिसकी वजह से इस पर 7 लाख का इनाम घोषित कर दिया गया। अंततः जुलाई 2021 में इसे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों, अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हो नीचे कमेंट करके बताओ। ये वीडियो अगर आपको अच्छे लगे हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह की और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।